डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट कुकर बीट्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन एंड वैरायटी ऑफ कुकर बीट्स, यानी कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनका बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन और उससे संबंधित वैरायटीज। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर सरोज छिंपा एग्री क्लासेस में। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले शुरू करते हैं वाटरमेलन, जिसे हम तरबूज भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है सिट्रुलस लेनेटस। ये है ट्रॉपिकल अफ्रीका से ओरिजिनेट है। तो फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वाटरमेलन है उसके अंदर वाटर कंटेंट कितना है। तो इसके अंदर 92 से 95% वाटर कंटेंट पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर पाई जाने वाली वैरायटीज। देखते हैं वाटरमेलन के इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है न्यू हैम्पशायर, मिडगेट, असाही, यामाटो, इम्प्रूव्ड शिपर। इम्प्रूव्ड शिपर जो है वह अमेरिकन इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट है फुरकन, सुगर बेबी। तो सुगर बेबी जो इंट्रोडक्शन है वह वेरी स्वीट होता है। इसमें TSS जो है 11 to 13% पाया जाता है। और नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है डिक्सी क्रीम। अब नेक्स्ट हाइब्रिड देखते हैं। तो इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट हाइब्रिड है, अर्का माणिक, पूसा बेदाना और अर्का ज्योति। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्का माणिक। अर्का माणिक जो है वह II HR × Crimson स्वीट का क्रॉस है। यह है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, रेड पम्पकिन बीटल के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड इसमें पूसा बेदाना। पूसा बेदाना जो है वह एक ट्रिप्लॉयड सीडलेस F1 हाइब्रिड है और यह है डॉक्टर किहारा के द्वारा डेवलप किया गया है। पूसा बेदाना टेट्रा 2 × पूसा रसल का क्रॉस है। तो इसमें जो पूसा रसल है वह डिप्लॉयड वैरायटी है। नेक्स्ट हाइब्रिड आता है इसमें अर्का ज्योति। अर्का ज्योति II HR 20 और क्रिम्सन स्वीट का क्रॉस है। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे वाटरमेलन में पाए जाने वाले सिलेक्शन। सिलेक्शन में आता है पहले नंबर पर है दुर्गापुरा मीठा, दुर्गापुरा केसर, पूसा रसल। तो इसमें जो दुर्गापुरा केसर है वह येलो फ्लैश्ड वैरायटी है। अब आती है नेक्स्ट क्रॉप हमारी मस्क मेलन। तो मस्क मेलन जिसे हम खरबूजा के नाम से जानते हैं, इसका बोटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो। यह भी ट्रॉपिकल अफ्रीका से ओरिजिनेट है। अब इसकी हम वैरायटी देखेंगे। तो इसकी कुछ वैरायटी ऐसी है जो कि पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट है। इनके एग्जाम्पल है अर्का राजहंस, कैंपो, पूसा शरबती। तो इसकी जो अर्का राजहंस वैरायटी है वह एक्सीलेंट कीपिंग क्वालिटी और ट्रांसपोर्ट क्वालिटी क्वालिटी वाली होती है। और ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यह पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट होती है। तो इस मस्क मेलन की हनी ड्यू जो वैरायटी है वह चिलिंग सेंसिटिव होती है, यानी बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर यह नहीं रखी जा सकती है। अदर वैरायटी में अगर हम देखें तो पूसा मधुरस, पंजाब सुनहरी, DM DR2 आती है। अब देखते हैं हम हरा मधु जो है। हरा मधु एक लेट वैरायटी है। इसकी हार्वेस्टिंग जो है नेटिंग स्टेज पे की जाती है। तो अब अगर इसकी अर्ली वैरायटी में देखें तो दुर्गापुरा मधु और पूसा रसराज अर्ली वैरायटीज के अंदर आती है। इसकी अर्का जीत वैरायटी में एक्सीलेंट फ्लेवर होती है, वेरी स्वीट और हाई विटामिन सी कंटेंट रखती है। इसके अलावा जो अर्का जीत है वह ड्वार्फ है, यानी एक बोनी किस्म है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मस्क मेलन में पाए जाने वाले सिलेक्शन। सिलेक्शन कौन कौन से हैं? दुर्गापुरा मधु, अर्का राजहंस, अर्का जीत, हरा मधु, पूसा मधुरस। तो जो पूसा मधुरस सिलेक्शन है वह एक मिड सीजन वैरायटी है और इसके अंदर TSS 12 से 14% पाया जाता है। अब हम मस्क मेलन में पाए जाने वाले हाइब्रिड देखेंगे। हाइब्रिड में कौन कौन से आते हैं? पूसा शरबती, पंजाब सुनहरी, हिसार मधुर, पंजाब रसीला, MHY5, पूसा रसराज, श्वेता और स्वर्णा। तो इन हाइब्रिड्स में से जो श्वेता और स्वर्णा है वह प्राइवेट सेक्टर से रिलीज किए गए हाइब्रिड है।
तो हाइब्रिड का मतलब क्या है, दो डिफरेंट वैरायटीज के बीच में क्रॉस करके जो वैरायटी डेवलप की जाती है वह हाइब्रिड कहलाती है। पूसा शरबती, पूसा शरबती जो है वह कुटाना और कैंटालूप का क्रॉस है। इसी तरह पंजाब सुनहरी जो है वह हरा मधु और एडिस्टो से मिलकर बना है। हिसार मधुर जो है वह पूसा शरबती इंटू 75 का क्रॉस है। पंजाब रसीला एक ऐसी वैरायटी है जो कि डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट होती है। इसी तरह जो MHY5 है वह दुर्गापुरा मधु और हरा मधु का क्रॉस है। और लास्ट में है पूसा रसराज, पूसा रसराज जो है वह पब्लिक सेक्टर का हाइब्रिड है। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने काचरी या चिबड़ नाम सुना है, तो नेक्स्ट अपनी कुकरबिट क्रॉप कौन सी है? मैंगो मेलन। इसके कॉमन नेम में देखें तो इसे काचरी, चिबड़, वाइल्ड मस्क मेलन, सीनेट सीड, स्मॉल गर्ड भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो वैरायटी एक्रेस्टिस। अब नेक्स्ट अपनी क्रॉप है राउंड मेलन। राउंड मेलन जिसे हम हिंदी में टिंडा भी बोलते हैं, टिंडा, इंडियन स्क्वैश, राउंड गार्ड, राउंड मेलन, स्क्वैश मेलन, और इसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस लेनेटस वैरायटी फिस्टुलोसस। तो यहाँ इस पिक्चर में आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे राउंड मेलन को। तो यह भी ट्रॉपिकल अफ्रीका से ओरिजिनेट है। इसकी वैरायटी है बीकानेर ग्रीन, दिल पसंद, हिसार सिलेक्शन 1। नेक्स्ट हमारे कुकुरबिट्स क्रॉप है लॉन्ग मेलन, जिसे हम हिंदी में ककड़ी भी बोलते हैं या तरकारी भी बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो वैरायटी विटेलिसेंस, और यह भी ट्रॉपिकल अफ्रीका से ओरिजिनेट क्रॉप है। इसकी वैरायटी है अर्का शीतल, IIHR4, करनाल सिलेक्शन। इसके अलावा भी कई इसकी वैरायटी है, जैसे लैला की उंगलियां, मजनू की पसलियां, तो ये सब वैरायटीज इसके लॉन्ग मेलन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्रॉप है हमारी स्नैप मेलन या फूट। तो ऐसे आम भाषा में या राजस्थानी भाषा में इसको काकड़िया बोलते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो वैरायटी मोमोर्डिका। इसका ओरिजिन प्लेस भी ट्रॉपिकल अफ्रीका है। तो यहाँ हम इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट आता है कैंटालूप। कैंटालूप जिसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस मेलो वैरायटी रेटिकुलेट। तो ये जो कैंटालूप है, इट्स अ मस्क मेलन। यह है मस्क मेलन की ही स्पीसीज है, कोई अलग नहीं है मस्क मेलन से। बस इसमें क्या है स्पेशलिटी कि इसके अंदर हाईली यूनिफॉर्म नेटिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब इसके अंदर हम अगर निमेटोड रेजिस्टेंट मेलन्स को देखें तो इनके अंदर आता है कुकुमिस अंगूरिया, कुकुमिस फिसिफोलियस, कुकुमिस मेटुलिफेरस। तो शारदा जो वैरायटी है वह कैंटालूप की अफगानिस्तान ग्रोन वैरायटी है, जो कि अक्टूबर से नवंबर के महीने में आती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटीज, यानी जो पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू दोनों के लिए ही रेजिस्टेंट है। उनके एग्जाम्पल है PMR कैंटालूप 45, PMR6, PMR7, PMR8, कैंपो और जकुम्बा। नेक्स्ट इसके अंदर आती है फ्यूजेरियम विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो इसमें आती है गोल्डन गोम्फर, एरिक्स, मिनिसोटा, मिडगेट, हार्वेस्ट क्वीन, डिलीशियस 51, सॉरी डिलियस 51। और नेक्स्ट इसके अंदर है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट रेजिस्टेंट वैरायटी। तो इसके अंदर आती है पुर्डी 44। और लास्ट में इसकी है डाउनी मिल्ड्यू और एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी। तो कैंटालूप की जो टेक्सास रेजिस्टेंट वैरायटी है वह है डाउनी मिल्ड्यू और एफिड रेजिस्टेंट वैरायटी मानी जाती है। तो एक बार फिर बता देना चाहूंगी कि यह मस्क मेलन ही है, सिर्फ नेटिंग के अंदर इसके अंदर डिफरेंस पाया जाता है। अब देखते हैं हम कुकुम्बर।
तो फ्रेंड्स, कुकुम्बर को आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। कुकुम्बर, इसका बोटनिकल नेम है कुकुमिस टाइवस। इसे हिंदी में खीरा भी कहते हैं और यह इंडिया से ओरिजिनेट है। इसका F1 हाइब्रिड है पूसा संयोग, जो कि इंडिया में ही डेवलप किया गया है 1971 में। ये और इसका जो पेरेंट है वह गाइनोएसियस फीमेल पेरेंट है। पूसा संयोग किस किस के क्रॉस से बना है? यह है जैपनीज गाइनोएसियस लाइन और ग्रीन लॉन्ग ऑफ नेपल्स का क्रॉस है। और सबसे बड़ी बात, यह एक पब्लिक सेक्टर का हाइब्रिड है। अब नेक्स्ट है प्रिया। प्रिया जो है वह प्राइवेट सेक्टर का हाइब्रिड है। अब हम देखेंगे कुकुम्बर में पाए जाने वाले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आता है जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, पॉइंसेट, स्ट्रेट एट, चाइना लॉन्ग। तो इसकी जो पॉइंट सेट है इंट्रोडक्शन, वह क्या है? वह है पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, रेगुलर लीफ स्पॉट, रेजिस्टेंट वैरायटी है। यानी जितनी भी तरह के पाउडरी मिल्ड्यू है, या जिसको हम छाछा रोग बोलते हैं, एंथ्रेक्नोज है, इन सब के लिए रेजिस्टेंट है। और अब हम देखेंगे टेम्परेट रीजन ग्रोन वैरायटी, यानी कुकुम्बर की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो कि शीतोष्ण क्षेत्रों में उगाई जा सकती है। तो इसके अंदर आती है जैपनीज लॉन्ग ग्रीन, स्ट्रेट एट और ये पूसा संयोग। अब इसकी जो हिमांगी वैरायटी है कुकुम्बर की, वह ब्रॉन्जिंग रेजिस्टेंट होती है। और यह एक हाइब्रिड है जो कि पॉइंसेट और कल्याणपुर अगेती का क्रॉस है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम डाउनी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी। तो इसके अंदर आती है पालमेटो, पालमेर, PR27 और सेंटी। अब यहाँ पर हम कुकुम्बर में डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जो सोर्स का काम करती है, वो वैरायटी कौन कौन सी है? इसमें आती है शेमरॉक, लीमा, SMR9, ओहियो, MR200, MR17, विस्कॉन्सिन। और अगर कमर्शियल वैरायटीज को अगर हम देखें, तो कुकुम्बर की बालसम खीरा, फुल्ले शुभांगी और खीरा पूना जो वैरायटी है, वह कमर्शियली ग्रोन की जाती है। और कुकुम्बर का सेलेक्शन कौन सा है? शीतल। और कुकुम्बर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर चिलिंग इंजरी हो जाती है, इसलिए इसको लोअर टेम्परेचर पर नहीं रखा जा सकता है। और आपने कई बार देखा होगा कि जो कुकुम्बर है उसमें ब्लॉटिंग की समस्या आ जाती है। तो जब कुकुम्बर का प्रिजर्वेशन किया जाता है, तो उस समय अगर एक्सेस CO2 का कंसंट्रेशन हो जाता है, तो वहाँ पर ब्लॉटिंग की समस्या आ जाती है। और लास्ट में हम देखेंगे कुकुम्बर की मोज़ेक रेजिस्टेंट वैरायटी। इसके अंदर आती है टोक्यो लॉन्ग ग्रीन, चाइनीज लॉन्ग, विन क्रिम्सन और टेबल ग्रीन। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुकुरबिट्स क्रॉप आती है चोचो। इसका बोटनिकल नेम है सेक्यम एड्यूल। इसे कई अलग अलग नेम से जाना जाता है, जैसे चोटे, चोको, अस्कास। तो इसका अगर हम ओरिजिन प्लेस देखें, तो यह सदर्न मेक्सिको से ओरिजिनेट है। और कई जगह इसको सेंट्रल अमेरिका से भी ओरिजिनेट दिखाया गया है। तो इसका जो कल्टीवर्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या कैसे किया जाता है? उनका क्लासिफिकेशन कलर एंड शेप ऑफ द फ्रूट्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चोचो जो है वो एक सिंगल सीडेड फ्रूट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहते हो, तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो। उसमें हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट कुकुरबिट्स में इन सबको ब्रीफली स्टडी कर रखा है। नेक्स्ट क्रॉप आती है घेरकिन, जिसका बॉटनिकल नेम है कुकुमिस अंगूरिया। यह भी ट्रॉपिकल अफ्रीका से ओरिजिनेट है। तो यहाँ इस पिक्चर में आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। घेरकिन क्या होता है कि जो हमारा कुकुम्बर है, कुकुम्बर का ही छोटा फॉर्म जो है वो घेरकिन होता है। और इसका बोटनिकल नेम आप ऑलरेडी देख चुके हो, यह है कुकुमिस अंगूरिया। इसे बर्ड घेरकिन, वेस्ट इंडियन घेरकिन भी कहते हैं, और इसको मोस्टली पिकलिंग पर्पस में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट आता है बोटल गार्ड। बोटल गार्ड इसे अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे व्हाइट फ्लावर गार्ड, कैलेबश गार्ड, हिंदी में इसको लौकी भी कहते हैं। और इसका बोटनिकल नेम है लेगेनेरिया साइसेरेरिया। और इसका ओरिजिन प्लेस है सदर्न अफ्रीका, और कुछ बुक्स में इसको इंडिया भी दिखाया गया है।
इसका अगर हम वैराइटीज में देखें तो पूसा मेघदूत बोटल गार्ड का F1 हाइब्रिड है, जो कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा डेवलप किया गया है। और पूसा मेघदूत जो है वह पूसा समर प्रोलिफिक लॉग और सिलेक्शन टू का क्रॉस है। नेक्स्ट आता है पूसा मंजरी, यह भी एक F1 हाइब्रिड है, जो कि पूसा समर प्रोलिफिक राउंड इनटू सिलेक्शन 11 का क्रॉस है। जो पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है वह प्रोलिफिक बियरर होता है और हैवी यील्डर होता है, यानी अत्यधिक उपज देने वाला होता है। और पूसा हाइब्रिड 3 जो है वह एक अर्ली मेच्योर हाइब्रिड है। नेक्स्ट है इसके अंदर पूसा संदेश। तो बोटल गार्ड की जो ये पूसा संदेश वैरायटी है वह एक न्यूली रिलीज्ड वैरायटी है। इसके अलावा अर्का बहार जो है इस बोटल गार्ड वैरायटी में प्लेजेंट अरोमा पाई जाती है। और फिर आता है सम्राट। सम्राट जो वैरायटी है उसकी गुड कीपिंग क्वालिटी होती है और बॉक्स पैकिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। इसके अलावा इससे उपज भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और इसकी जो पूसा नवीन वैरायटी है इसके फ्रूट्स में कोई भी क्रूक नेक या कर्व नहीं पाया जाता है। और लास्ट में देखते हैं इसकी अदर वैरायटी। अदर वैरायटी में आती है पंजाब लोग, पंजाब कोमल, PBOZ1 प्लांट जिसको प्लांट शंकर के नाम से जाना जाता है, पंजाब राउंड, गुटका, हरित, वरेड, NDBZ1। और ये जो NDBZ1 है यह दियारा कल्टीवेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है। और नेक्स्ट है PBOZ1, यह नॉर्दर्न प्लेन के लिए सुटेबल मानी जाती है। अब देखते हैं बीटर गार्ड। बीटर गार्ड यानी करेला। इस पिक्चर में आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बीटर गार्ड को अन्य कई नामों से जाना जाता है, बीटर मेलन, बीटर एप्पल, बीटर गार्ड, बीटर स्क्वैश और बाल्सम फियर। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? मोमोर्डिका चरेंशिया। अब यहाँ पर हम इसकी वैरायटीज को देखेंगे तो इसकी वैरायटीज है अर्का हरित, कोयम्बटूर लॉन्ग, प्रिया जिसे VK1 भी कहते हैं, MDU1, पूसा 2 मौसमी, पंजाब 14, पूसा विशेष, प्रियंका, हरकानी, प्रीति। तो फ्रेंड्स जो ये पूसा 2 मौसमी है या पूसा विशेष है, यह दोनों एक ऐसी वैरायटी है जो सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होके पूछी जाती है। तो इन वैरायटीज को आप ध्यान से देखना। अब बीटल गार्ड के अंदर नेक्स्ट वैरायटी है कोंकण तारा। कोंकण तारा जो है वह गुड कीपिंग क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली बीटल गार्ड की वैरायटी है। इसी तरह जो फुल्ले ग्रीन है वह एक हाइब्रिड है। यह है ग्रीन लॉग इटू डेहली लोकल का क्रॉस से तैयार किया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है स्पाइन गार्ड, जिसे आप लोग ककोड़ा कहते हो, वह होता है स्पाइन गार्ड। इसके अगर अन्य नाम में देखें तो इसको काकरोल, ब्रिस्ली बाल्सम पियर, प्रिकली कैरोलियो और टीजल गार्ड भी कहते हैं। और इसके अलावा एक और अन्य नाम है कंटोला। इसका बोटनिकल नेम है मोमोर्डिका कोचिन चाइनेंसिस और मोमोर्डिका डियोसिया। फिर नेक्स्ट आती है रिज गार्ड यानी तुरई। तो आपने चिकनी तुरई, धारीदार तुरई नाम सुना होगा, जिसे हम आम भाषा में गिलकी भी कहते हैं। तो वह गार्ड इसके अंदर आती है, रिज गार्ड और स्पॉन्ज गार्ड के अंतर्गत। तो रिज गार्ड जो है इसके कॉमन नेम है तोरई, गिलकी, एंगल लूफा, काली तोरी, चाइनीज ओकरा, डिश क्लॉथ गार्ड और रिब्ड गार्ड। इसका बॉटनिकल नेम है लूफा एक्यूटेंगुला और यह एशिया से ओरिजिनेट है। इसकी अगर हम वैरायटी देखें तो पूसा नसदार, कोंकण हरिता, पंजाब सदाबहार, सुरेखा, अर्का सुजत है। और इसकी अगर हर्मोफ्रोडाइट वैरायटी देखें तो वह है सतपुतिया। और इसकी जो पूसा नसदार वैरायटी है वह मोनोएशियस वैरायटी है। तो फ्रेंड्स जो ये सतपुतिया वैरायटी है यह कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसी तरह पूसा नसदार है वह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है कि ये किसकी वैरायटी है। तो इनको भी आप ध्यान से देखना।
नेक्स्ट आती है स्पॉन्ज गार्ड। स्पॉन्ज गार्ड का ओरिजिन प्लेस है असम। तो जो यह स्पॉन्ज गार्ड होती है इसको क्या करते हैं, इसको स्क्रबिंग स्पॉन्ज की तरह काम में लेते हैं, इसलिए इसको डिश रैग गार्ड भी कहते हैं, घिया तोरी रैग गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड और वेजिटेबल स्पॉन्ज के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह एक स्मूथ लूफा है, यानी चिकनी तोरई है, और इसको रिज रिज जो गार्ड है उसे इजीली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो स्पॉन्ज गार्ड का बॉटनिकल नेम है लूफा सिलेंड्रिका। और इसकी अगर हम वैरायटी देखें तो पूसा चिकनी जो वैरायटी है वह एक अर्ली सिलेक्शन है, और नेक्स्ट वैरायटी है फूले प्राजक्ता, पूसा सुप्रिया और हरिता। तो यह दोनों दोनों ही जो सब्जियां हैं वह तोरई के अंतर्गत आती है। ये जो रिज गार्ड है स्पॉन्ज गार्ड है, ये दोनों ही तोरई का ही फॉर्म है। नेक्स्ट आती है स्नेक गार्ड। तो स्नेक गार्ड जो है वह आपके तोरई का ही एक फॉर्म, तोरई जैसी ही दिखने वाली सब्जी है। इसको हिंदी में चचिंदा भी कहते हैं, और अगर अन्य नाम देखें तो इसका नाम है सरपेंट गार्ड, पडवल। और इस वेजिटेबल को हमको ट्राइस्कोसेंथस डियोसिया के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका बोटनिकल नेम देखें तो इसका बोटनिकल नेम है ट्राइकोसेंथस कुकु मेरीना, और इसका ओरिजिन प्लेस है इंडिया। अब स्नेक गार्ड की वैरायटी हम देखें तो इसमें आती है कोंकण श्वेता, और इसका सेलेक्शन है H8H371 375 Co1 Co4 TA19, और या हम बोल सकते हैं TA19। तो यह सभी स्नेक गार्ड की वैरायटीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है पॉइंटेड गार्ड। तो फ्रेंड्स इस पिक्चर में आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, पॉइंटेड गार्ड जिसे हम परवल भी कहते हैं, और इसका अन्य नाम क्या है, ग्रीन पोटैटो। इसका बॉटनिकल नेम है ट्राइकोसेंथस डियोसिया, और इसका ओरिजिनल प्लेस है इंडिया, और इसकी वैरायटी है बिहार शरीफ, कल्याणी, शंकोलिया, स्वर्णरेखा, डेंडली, दामोदर, स्वर्ण अलौकिक और छोटा हीली। तो यह सब पॉइंटेड गार्ड से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट है पॉइंटेड गार्ड जैसी ही एक और वेजिटेबल एविगार्ड। एविगार्ड जो है इसका बॉटनिकल नेम है कॉक्सिनिया ग्रैंडिस। इसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि स्कारलेट गार्ड, स्कारलेट गार्ड, टिंडोरा, कोवई फ्रूट, टॉन्डिल और लिटिल गार्ड। और हिंदी में इसको कुंदरू के नाम से भी जाना जाता है, और इसका ओरिजिन प्लेस इंडिया है। तो यहाँ आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, यह है बिल्कुल परवल जैसा ही दिखने में होता है। नेक्स्ट क्रॉप आती है हमारी पंपकिन। पंपकिन जो है विंटर स्क्वैश का ही एक कल्टीवर है, जो कि डीप येलो टू ऑरेंज कलर का होता है। इसका ओरिजिन प्लेस मेक्सिको और पेरू है। और जो कुकुरबिटा मोस्टर्टा है उसके कल्टीवर कौन कौन से हैं, इसमें आता है बटरनेट और स्क्वैश। अब पंपकिन की हम यहाँ पर वैरायटीज देखेंगे तो पूसा विश्वास, अरका चंदन, अम्बीली, Co1 Co2 पंपकिन के इम्पोर्टेंट कल्टीवर्स हैं। तो इसमें जो अरका चंदन होता है इसमें जो कैरोटीन कंटेंट होता है वह वेरी होता है, यानी अलग अलग होता है। इसमें प्लीजेंट एरोमा पाई जाती है, नाम के अकॉर्डिंग इसमें अच्छी एरोमा पाई जाती है। नेक्स्ट वेराइटी है पंपकिन में पूसा विकास। पूसा विकास जो है वह स्प्रिंग समर सीजन की वैरायटी है। और लास्ट में आती है अरका सूर्यमुखी, यह एक फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट वैरायटी है। अब देखेंगे हम स्क्वैश। स्क्वैश का जीनस जो है वह है कुकरबिटा, जीनस है कुकरबिटा। तो स्क्वैश जो है वह किसी एक स्पीसीज के लिए नाम नहीं लिया जा सकता है, यह फोर डिफरेंट स्पीसीज के लिए काम में लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल है कुकरबिटा पेपो, कुकरबिटा मैक्सिमा, कुकरबिटा मिक्सटा और कुकरबिटा मोस्चटा। तो यहाँ जो कुकरबिटा मोस्चटा है वह एक एम्फी डिप्लॉयड कल्टीवर होता है, और यह जो मोस्चटा है कुकरबिटा मोस्चटा है वह जीरोफाइटिक फॉर्म कुकरबिटा पालमेटा के क्लोजली रिलेटेड होता है। और कुकरबिटा मोस्चटा के अगर हम कल्टीवर देखें तो इसमें आता है बटरनट स्क्वैश।
तो यह जो स्क्वैश है वह टू टाइप के होते हैं, समर स्क्वैश और विंटर स्क्वैश। समर स्क्वैश यानी कुकरबिटा पेपो, इसे वेजिटेबल मैरो या फील्ड पंपकिन भी कहते हैं। और जो विंटर स्क्वैश है इसका बॉटनिकल नेम है कुकरबिटा मैक्सिमा। अब नेक्स्ट, इसके अंदर स्क्वैश के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे समर स्क्वैश। समर स्क्वैश इसका बॉटनिकल नेम है कुकरबिटा पेपो। तो जितनी भी कुकरबिटा पेपो है उनको हम समर स्क्वैश नहीं कह सकते हैं। कुकरबिटा पेपो की जो सब स्पीसीज पेपो है उसे हम पैटी पैन स्क्वैश भी कहते हैं, और इसका ओरिजिन प्लेस है मेक्सिको। अब हम यहाँ पर समर स्क्वैश की वैरायटीज को देखेंगे, तो इसकी वैरायटी है अर्ली येलो प्रोलिफिक, ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, बटरनट ग्रीन, हबर्ड, पैटी पैन, पंजाब 56 कद्दू। तो फ्रेंड्स, आप सबने 56 कद्दू देखा है। 56 कद्दू यानी जो टिंडो जैसा ही दिखाई देता है, राउंड मेलन जैसा ही दिखाई देता है, उससे थोड़ा सॉफ्ट होता है यह। तो यह सभी समर स्क्वैश के अंतर्गत आता है। तो जो पैटी पैन है वह यूएसए का इंट्रोडक्शन है और यह एक शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। इसी तरह जो पूसा अलंकार है वह समर स्क्वैश का F1 हाइब्रिड है। और नेक्स्ट है पंजाब 56 कद्दू, यह एक डाउनी मिल्ड्यू रेड पम्पकिन बीटल रेजिस्टेंट वैरायटी है। और नेक्स्ट आता है विंटर स्क्वैश। विंटर स्क्वैश यानी जिसका बोटनिकल नेम है कुकरबिटा मैक्सिमा, इसे हम विलायती कद्दू के नाम से भी जानते हैं। और इसका अगर हम ओरिजिन प्लेस देखें तो यह मेक्सिको से ओरिजिनेट है। और इसकी अर्का सूर्यमुखी जो वैरायटी है वह फ्रूट फ्लाई रेजिस्टेंट होती है। इसके अलावा एक और अन्य वैरायटी है पिंक बनाना। अब फ्रेंड्स, आपने जुकिनी भी देखा होगा, यह भी एक कुकरबिट्स वेजिटेबल है। इसका भी बोटनिकल नेम है कुकरबिटा पेपो। तो जुकिनी जो है, तो जो ये जुकिनी है इसको कॉरगेट भी कहते हैं और यह है एक समर स्क्वैश वेजिटेबल है। नेक्स्ट आता है इसमें वैक्स गार्ड। वैक्स गार्ड का बोटनिकल नेम है बेनिन कासा हिस्पिडा, और इसको अन्य कई नामों से जानते हैं, जैसे विंटर मेलन, एश गार्ड, चाइनीज वाटरमेलन, विंटर गार्ड, पेठा कद्दू। और यह जावा या जापान से ओरिजिनेट है। अब इसकी अगर हम वैरायटी देखें तो इसकी है मुडलियर, पूसा उज्जवल, पूसा शक्ति, को 1, को 2। तो जिनमें जहाँ को 1 को 2 लगाता है तो यह कोयम्बटूर से रिलीज वैरायटी होती है। और नेक्स्ट है कैलाबश। तो कैलाबश जो है वह एक डबल बोटल गार्ड होती है। यह भी लैगिनेरिया साइसेरेरिया ही है। बस इसके अंदर अंतर यही है कि यह जो बोटल गार्ड है यह डबल होती है। इसके अदर नेम में देखें तो बोटल गार्ड, व्हाइट फ्लावर गार्ड और लॉन्ग मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो लेगिनेरिया साइसेरेरिया है यह पंपकिन और स्क्वैश की क्लोजली रिलेटिव होती है। और इसके जो ड्राइड फ्रूट होते हैं लेगिनेरिया साइसेरेरिया के, वह कैलाबेश के नाम से जाने जाते हैं। और फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में हमने डिजीज और डिसऑर्डर को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था, फिर भी आपके जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर मोस्टली आस्क्ड जो क्वेश्चन है उनको अब एक बार और कर लेते हैं। तो कुकुम्बर या कुकरबिट्स के अंदर पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज किससे होती है? यह होती है एरीसाइफी सिकोरे सेरियम के द्वारा। इसी तरह डाउनी मिल्ड्यू जो है स्यूडोपेरनोस्पोर क्यूबेंसिस के द्वारा होती है। और येलो वेन जो है वह सेरासिया मार्सेंस के द्वारा होती है। इसी तरह जो बट नेक्रोसिस डिजीज है यह एक वायरल डिजीज है, सी ट्रांसमिटेड होती है और यह इसका वेक्टर एफिड है। और इसी तरह लास्ट है पिल्लो डिजीज इन कुकुम्बर। तो यह एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि कैल्शियम डिफिशेंसी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पिछले 4-5 वीडियो से आज तक के वीडियो में लगातार कुकरबिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को देखा है। फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।